और एक और बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ित से कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने मुलाकात की। वहीं मौके पर संजय सिंह पर जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है, यूपी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं संजय सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ित से मिलने पहुंची हैं शीला दीक्षित। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने मुलाकात किया है। वहीं मौके पर संजय सिंह और जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है, यूपी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं संजय सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि ये गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, बहु बेटियों की सुरक्षा करना नहीं जानती है सरकार। और निश्चित रूप से सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए और इस सरकार को स्वयं ही इस बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ित से कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने मुलाकात की। वहीं मौके पर संजय सिंह और जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ये कहना है शीला दीक्षित का। और वहीं जब शीला दीक्षित बुलंदशहर पहुंची तो भीड़ ने उनका विरोध किया और संजय सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। तो जब बुलंदशहर शीला दीक्षित पहुंची तो भीड़ ने लगातार उनका विरोध किया गया। लगातार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ना की जाए। राजनेता अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं इस मामले में। तो जब बुलंदशहर शीला दीक्षित पहुंची तो लगातार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भीड़ ने लगातार उनका विरोध किया है। पीड़ित से कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने मुलाकात की। वहीं मौके पर संजय सिंह और जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है, यूपी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है।